आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहनें जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे कहीं बाहर से आने के बाद घर के अंदर कैसे जाएं। घर का दरवाजा ना छुएं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को घर के अंदर से बुलाएं। बाहर से लाया सारा सामान दरवाजे के पास या किसी अलग जगह पर रख दें। अब सीधे बाथरूम जाएं। हाथ और मुंह को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं। अगर भीड़ भरी जगह पर गए हो तो कपड़ों को डिटर्जेंट घोल में डुबोकर अच्छे से नहा लें। बाहर वाली चप्पल भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाहर से घर के अंदर आने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे बाजार में पेमेंट करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऐप जैसे कि भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम या अपने बैंक ऐप से ही करने की कोशिश करें। अगर दुकानदार को कैश दें तो जितने का सामान है उतने खुले पैसे दें। दुकानदार से खुले नोट या सिक्के ना लें, इनमें वायरस हो सकता है। अगर लेने पड़े तो उन्हें हाथ में ही रखें और घर पहुंचते ही कागज के नोटों को टेबल पर रखकर किसी और से उस पर गर्म इस्त्री करवाएं। सिक्कों को 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर या साबुन और पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ भी साबुन से धो लें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार में लेन देन के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। आज हम सीखेंगे लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि लिफ्ट में अकेले जाएं। अपने पास हमेशा कुछ साफ कागज के टुकड़े रखें। लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उनमें कुछ कागज के टुकड़े अपनी उंगली पर लपेट लें। अब उसी उंगली से लिफ्ट का बटन दबाएं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उंगली पर लिपटा कागज डस्टबिन में डाल दें। अगर हो सके तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और सीढ़ियों की रेलिंग को ना छुएं। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे।